आज भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जब इस देश के राष्ट्रपति के रूप में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करी, चुनाव जीत गई है और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो, पूरे देश के जनजातीय समाज, आदिवासी समाज चुने हुए राष्ट्रपति के लिए अपने गौरवमय इतिहास का नया अध्याय लिखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का यह जो अवसर है, जब हम आज इस देश में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर देख रहे हैं, तो हमारा यह दायित्व बन जाता है कि जनजातीय समाज के नाते भी, देश के नागरिक के नाते भी और तमाम भारतवासियों के नाते भी, हम आजादी के अमृत महोत्सव पर इस संकल्प के साथ कि हमें वो अवसर मिला है जहां अपने संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हम लगातार चर्चा करते रहे, हम संवैधानिक अधिकारों के बारे में लगातार चर्चा करते रहे, हम संवैधानिक व्यवस्था के मामले में लगातार संवेदनशील रहे, आज उस संविधान की मर्यादा को, संविधान जो देश का एक ग्रंथ है, उसे संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिबद्धित रूप से रखने के लिए देश के आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही, यह सामान्य और यह कोई साधारण बात नहीं है। वर्षों बाद इस सपनों को पूरा होता हुआ देश का एक बड़े भूभाग में रहने वाले जनजाति समाज इसको देख रहा है, तो मैं इस अवसर पर न केवल बधाई दूंगा महामहिम राष्ट्रपति को, बल्कि देश के करोड़ों जनजाति भाइयों को और पूरे भारतीय समाज को कि यह अवसर हम सब के लिए एक सुखद है और भविष्य को निर्माण करने का एक नया द्वार फिर से हमें खुलता हुआ दिख रहा है।